चौक चौराहों और सड़कों को पशुओं के जमावड़े से बचाने जिला कलेक्टर के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही शहर में लगे अवैध बैनर पोस्टर को हटाने की कवायद की जा रही है। शहर के चौक चौराहों और सड़कों में जमावड़ा कर रहे पशुओं व चौक चौराहों और सड़कों से इन्हें कम करने के लिए एक सफल योजना के क्रियान्वयन के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए दिशा निर्देश कलेक्टर द्वारा जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि चौक चौराहों एवं सड़कों में पशुओं के जमावड़े से दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों के साथ दुर्घटना की स्थिति का संशय हमेशा बना रहता है। इससे सामान्य यातायात भी प्रभावित होता है। इसलिए इन स्थानों को कैटल फ्री करने के लिए कलेक्टर ने रोस्टर बनाकर कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने नगर पालिका और नगर परिषद के काउ कैचर व्हीकल द्वारा चौक चौराहों, सड़क, मार्केट प्लेस और कॉलोनियों में घूमने वाले आवारा पशुओं को पकड़कर गौठानों में रखने के निर्देश दिए हैं, जहां इनके लिए पर्याप्त व्यवस्था भी उपलब्ध कराने उपस्थित अधिकारियों को कलेक्टर ने निर्देश दिए। क्योंकि शहर में बहुत बड़ी एक दिक्कत आ रही है कि आवारा पशु बार बार रोड पर दिखाई दे रहे हैं। ये अलग बात है कि पिछले दो महीने में बहुत स्पेशल कैंपेन्स चला के हमने लगभग 2000 से अधिक आवारा पशु, स्पेशली गायों को हमने शहर के गोठानों में डाला है और उससे काफ़ी हद तक आवारा पशुओं का रोड पर दिखना कम हुआ है। पर अभी भी क्योंकि कई लोग हैं, स्पेशली जो खटाल जहाँ पे शहर में चल रहे हैं, तो वो अपने दिन के लिए दिन में गायों को छोड़ दे रहे हैं रोड पे, तो अभी भी पूरी तरह से ये समस्या समाप्त नहीं हुई। इसमें एक हमने एक नई तरह की चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं कि सभी नगर निगमों में एक एक काउ कैचर टीम होती है और एक ही गाड़ी होती है। तो अब सभी नगर निगम एक निश्चित दिन पर अपनी टीम को और अपनी गाड़ी को किसी एक नगर निगम में भेजा करेंगे और जब तक वहाँ की सारी मार्केट्स, मेन रोड और सारी गलियों में सारे आवारा पशुओं को उठा नहीं लिया जाएगा, वो सभी नगर निगमों की और नगर पालिकाओं की टीम उसी नगर निगम में रहेगी। जब वहाँ पे नगर निगम की टीम सर्टिफाई कर देगी कि यहाँ से सारे जानवर को हटा लिया गया है, तब दूसरे नगर निगम में वो टीम शिफ्ट हो जाएगी। तो पूरी ज़िले की जितनी भी रिसोर्सेज हैं सबको सेंट्रलाइज किया जाएगा एक नगर निगम में, ताकि वहाँ से कम इस समस्या को दूर किया जा सके। साथ ही क्योंकि शहर की स्वच्छता, सुंदरता केवल आवारा पशुओं के ऊपर को हटाने से डिपेंड नहीं करती है, इसमें हम लोग का भी और शहर के नागरिकों का भी बहुत बड़ा रोल है। और देखा जा रहा है कि दुकानों का बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो रहा है, सामान रोड तक रख दे रहे हैं, अपने बड़े बड़े बोर्ड्स रोड पर रख रहे हैं, जिससे पार्किंग की दिक्कत आ रही है। तो साथ साथ इनके विशेष अभियान भी स्टार्ट किए गए हैं, जैसे अगले 7 दिन में जितने भी पोस्टर्स लग रहे हैं, चौक हैं, पुल हैं, खंबे हैं, बाउंड्री वॉल्स हैं, इनके ऊपर पोस्टर्स लगा दिए जा रहे हैं, जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट का उल्लंघन भी है। तो अभी 7 दिन सभी शहरों से इन पोस्टर्स को हटाया जाएगा और जिन लोगों ने ये लगा है उनके ऊपर जुर्माना भी किया जाएगा और जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं उनके ऊपर जुर्माने की राशि भी डबल ट्रिपल की जाएगी। उसके साथ साथ में दुकानों के आगे जो बोर्ड लगे हुए हैं इनको भी साथ साथ में भी हटाया जाएगा। तो अभी आवारा पशुओं का और दुकानों के सामने जो बोर्ड लगे हुए हैं और पोस्टर्स लगे हुए हैं इनको हटाने का भी अभियान अगले 7 दिन चलाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इन सभी अभियानों में 100% सफलता मिले, ताकि कम से कम इन इश्यूज़ को शहरों से दूर किया जा सके। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से विना दुबे की रिपोर्ट।